Yes, I is a vowel. Now, J. J is a vowel? No, वो vowel family का part नहीं है. K is a vowel? No, it's not a part of the vowel family. L? M? O N? O. Is O a part of the vowel family? Yes, look at your fingers. आपके fingers में मैंने सारे vowels लिखवाए हैं. A, E, I, O, U. इसमें से अगर letters आते हैं तो वो vowel हैं. ठीक है, हमने सिर्फ vowels लिखे हैं. There are only 5 vowels, तो हमने उनको आपके fingers में लिख दिए हैं. ठीक है, A, E, I, O, U. आपके finger tips देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा. ठीक है, is P a vowel? E. Q. R. S. T. U. Yes. Are you sure? Set your hands. Yes. Yes. U is a vowel, and you have U over here at the end on the baby finger. Yes. Then V is not a vowel. Yes. W is not a vowel. X is not a vowel. Y also isn't a vowel. And Z is also not a vowel. So, हमने क्या देखा, कौन कौन से लेटर्स वॉवल्स हैं. देर आर ओनली 5 लेटर्स इन द अल्फाबेट फैमिली विच फॉर्म द विच आर अ पार्ट ऑफ द वॉवल फैमिली. कम ऑन ऑल ऑफ यू चाइल्ड. Yes, A, E, I, O, U. All these 5 letters are A, E, I, O, U. A, E, I, O, U are 5. ये वो दिखा. आप लोग के हैंड्स में ऐसे मामा ने लिख देंगे. आप लोग आज सारे दिन ये याद करते रहना. A, E, I, O, U. E, I, O, U. बोलो. ठीक है, ये सारे क्या है? वॉवल्स है. E, I, O, U. Yes, all these are वॉवल्स. ओके, तो आज हम लोग वॉवल्स के बारे में क्यों जान रहे हैं? क्योंकि पता है क्या, जब कोई भी चीज एक होती है, ठीक है, जैसे कि अगर एक कपकेक है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वन कपकेक या फिर अ कपकेक. लेकिन अगर कपकेक ज्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, कपकेक्स. ठीक है, वैसे ही अगर एक एंट है या एक एप्पल है तो क्या बोलेंगे, एन एप्पल. कोई भी लेटर, अगर कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो उसके आगे क्या लगता है पता है, एन. दीज आर टू आर्टिकल्स. क्या आपने इनके फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं? देखो, ये ए है लेकिन अभी हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अ. ठीक है, कोई भी चीज एक होगी तो हम लोग उसको बोलेंगे अ, अगर वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है. और अगर वो वर्ड बावल से स्टार्ट होता है तो उसके आगे लगेगा एन. ये क्या लिखा हुआ है, लेट्स रीड आउट. एन, एन. ओके, दिस इज an, and this is a. Come on, all of you, show me your a flashcard. Come on, Anvi is showing me already. The rest of you also need to show me the a flashcard. Come on, very good, Kashvi. Show me your a flashcard. A flashcard. Yes, very good. A kab use karenge hum log? जब कोई भी कॉन्सोनेंट से वर्ड स्टार्ट होगा, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच, उनसे अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो अ यूज करेंगे. और अगर कोई वावल से स्टार्ट होता है ए ई आई ओ यू, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन. ठीक है,
बट द ऑब्जेक्ट हैज टू बी वन, सिर्फ एक ही चीज होगी तभी अ या एन यूज होगा, ठीक है? अ या एन तभी यूज होता है जब चीजें एक सिंगुलर नंबर की होती हैं, एक होती हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव सम वर्ड्स ओवर हियर, ठीक है? I'll tell you once and then you will have to do it individually, ठीक है? जैसे कि फ्लैश कार्ड्स क्यों बनाए हैं हमने? फ्लैश कार्ड्स इसीलिए बनाए हैं ताकि आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं करोगे। जब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी आप सब मिलके मुझे सिर्फ ये प्लग कार्ड्स दिखाओगे, ठीक है? यू विल ओनली शो मी दिस एंड आंसर लाइक दिस, कीपिंग योरसेल्फ्स ऑन म्यूट, ओके? नाउ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड, ओके? एंड यानी चीटी, ठीक है? अब उसमें बिगिनिंग साउंड क्या है, ए, तो कौन सा लेटर है यहाँ पे, ए यानी ए, ए इज अ वावल और अ कॉन्सोनेंट? टेल मी, लुक एट योर पाम, लुक एट योर फिंगर टिप्स एंड look at your fingertips and see, A है क्या यहाँ पे? Do you find A over here? A है यहाँ पे? Yes or no? Nod your head in yes if you have A. Yes, I have A. तो ये एक vowel है, तो vowel के सामने कौन सा word लगता है? And. Okay? And. जब and सिर्फ एक अकेली होती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एन एंट, ओके? इन द सेंटेंस आपको कैसे पता चलेगा कि एंट सिर्फ एक ही है? व्हेन इट इज रिटन एन एंट इट मींस एंट एक है, ठीक है? तो जब भी कोई वर्ड वावल से स्टार्ट होगा यू विल हैव टू अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर, सबसे पहले जो फर्स्ट लेटर है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, ठीक है? You will have to underline the first letter. Okay? And then what will you do? What will you do? आप उसके बाद क्या करोगे? आप check करोगे whether it is A, E, I, O or U. अगर A, E, I, O या U है तो आपको क्या करना है, उसके पहले and लगाना है, ठीक है? You have to put an in front of it. Okay, now let's look at the next word. Here, what is there in the next word? Here I have ball. Okay, ball, ball. Okay, now in the ball, what is it beginning with? Ball word kisse start ho raha hai? Dekho, what is the word starting with? B. All, b, okay? Now b, here the letter is b. Tell me, is b a vowel? Yes or no? No. तो हम लोग क्या use करेंगे? Ball अगर एक है, if there is only one ball, what will you use? Will you use a or you will use an? Show me your placards. Come on, all of you. Show me which one will we use? Whether we'll use a or you will use an, tell me. If it is only beginning with a, e, i, o, u, तब आप a use करेंगे. लेकिन अगर a, e, i, o, u के साथ start नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे, here it is starting with b. ये तो vowel नहीं है. This is not a vowel. तो हम लोग इसके पहले क्या लिखेंगे? We will write a ball. Very good, Kashvi. We will write a ball. जब एक ball है तो we will write a ball. Okay. See, I'm putting this flash card over here. मेरे पास a का flash card है. A. ठीक है? A. I'm putting it over here. Now, the next word card I have, let's read it out. I have dog, and dog begins with D.
Now look at your fingertips and tell me, is D a vowel? Nod your head if it is a vowel. If it is not a vowel, just turn it like side by side, like this. Say no, no. Then, अगर ये vowel नहीं है तो हम लोग क्या use करेंगे? A use करेंगे कि an use करेंगे इसके पहले? बताओ. कौन सा word use करेंगे? Think and tell me. If it is a vowel, then only we will use an. Yes, Kashvi. We will use a. Why will we use a? Because D is not a vowel. अगर यहाँ पे vowel होता तो हम लोग an use करते, लेकिन D is not a vowel. तो हम लोग को यहाँ पे क्या use करना होगा? A dog. ठीक है, what will you write? I'm putting the flashcard before dog. Okay, now I have something. Let's read this out. What is this? Egg. Egg. Okay, what is written over here? Egg. Egg. And what is the first letter over here? Which letter is this? Yes, look at your fingertips now. Look at your fingertips. Yes, yes, very good. So some of my children have grasped the concept. We will write an egg, right? हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? An egg. Come on, show me your an flashcards, all of you. I want to see your an flashcards. An egg, है ना? चलो मैं भी यहाँ पे एन लगा देती हूँ. आई ऑल्सो पुट एन ओवर हियर. हियर्स माय एन फ्लैश कार्ड व्हिच आई विल पुट ओवर हियर. ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड आई हैव इज फिश एंड आई हैव अंडरलाइन द फर्स्ट वर्ड. कभी भी आपको जब भी देखना होगा वो द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज अंडरलाइन द फर्स्ट लेटर. ओके, ऑफ द वर्ड. You have to underline the first letter and then see, is it a vowel or it is a consonant? Is it a vowel? Yes or no? F. F is a vowel? No. तो अगर fish एक है तो मैं क्या लिखूंगी? A लिखूंगी कि an लिखूंगी? Show me your flashcards and tell me. What is the fish? Wait, we will write a, right? We will use a. We will use a fish because fish ek hai, hai na? Or F is not a vowel. Isiliye hum log yahan pe likhenge a fish, right? We will use a fish. Now the next word card, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. It is written ink pot. Okay, and I have underlined the first letter. First letter क्या है? The first letter is I. Can you find I on your fingertips? Can you find I on your fingertips? Yes or no? सिर्फ I दिखा. I कहाँ पे है? Do you have I on your fingertip? Yes. I have I over here. So I is a vowel. Now tell me, what will we use? And before and the ink pot. Ink pot and dikhao. What will we use before the ink pot? We'll use a or an. And my children are telling me I have to use an. And they are correct. Good job. Come on, all of you. Give a pat on your back. Good going. Come on, pat your backs. Good job. Yes, because you all are doing it nicely. Good job. Pat your backs. Good. Now let's look at some other words. Okay, we have some more words. Let's look at the new words, other words. See, which word do I have over here? This is what all the boys are going to love. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. B A T bat. ठीक है, एंड विच इज द फर्स्ट लेटर जो मैंने अंडरलाइन किया है?
Which is the first letter? Bolo. So that's the sound. And the B. Yes. Is B a vowel? Check your fingertips. Is B a vowel? Not yet. So, yes. Very good. Come on, all of you. Show me your flag placards. Whether I use a or I will use an. Which one will I use? Come on, come on, come on, come on, come on. Show me. Good job. I'll use a flashcard over here. A bat. Let me write a bat over here. Okay. Now, it is rainy season going on. And what do you use when you go out in the rain? Kya use karenge hum log bahar jayenge to? Umbrella, right? Yes. Umbrella. Finger starts with a vowel or a consonant. Tell me. Vowel. Yes. You have? Vowel. Yes, it's a vowel. Come on. Vowel. Agar mere paas ek umbrella hai, if I have one umbrella, to main kaise likhungi usko? An umbrella ki a umbrella? Kya likhna hai? Jaldi se batao. Good job. Now, the next one we have over here is somebody, a bird which can see at night. Ye kya hai? Owl. Owl. It starts with O. Okay, it starts with O. Do you think it is a vowel? What will I write before the owl? Show me the flashcard. Come on, all of you. Okay. Kapil is telling I have to write and. Kashmi is telling I have to write and. Kushi is telling I have to write and. So Alia is also telling I have to write and. And. Tanvi, oh, everybody is telling I have to write an. Okay, I'll write an in that case. An owl, because it starts with a vowel. Okay, it starts with a vowel. Now, the next one is a hat. Hat. A hat. Okay. Hat starts with a H. What will I write before the hat? Okay. Fingertips mein is H a vowel? It's a consonant. No. So what will we write? Come on, show me. We'll write Yes, Mivan, what will we write? Show me your flashcard, dear. We will write So let me write over here. A hat. Okay. Now, let me see which flashcard do I have next. Orange. The first letter is? Yes. O is there in the vowel family over here. इसको दिखाइए स्पंज जल्दी बताओ इससे पहले क्या लिखेंगे? And. Oh my God! All my smart kiddos, they are showing me the flashcards already. Very good. Good job. I must clap for you all. Good job. Let me write and before the orange. जब मेरे पास एक orange है, तो मैं लिखूँगी. An orange. Okay. An orange. Now, what's the last word card for today? Okay. The last word card for today is hat. And the first letter is H. I have underlined the first letter. Come on. Look at your hand and fingertips and tell me. Which one will I use? Tell me. A, A, because you said A, because.
Okay, some of my children are telling I have to use a. Okay, I have to use a. Come on, let's read. A hen. A hen. Okay, so what will I do? I will send you some homework today on the group. Okay, मैं आपको ये होमवर्क भिजवाऊंगी. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करके मुझे भिजवाना है. दिस इज अबाउट द वावल एंड द कॉन्सोनेंट. ओके, बिफोर डूइंग दैट व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रॉ अ पाम आउटलाइन. अपने हाथ का आउटलाइन ड्रॉ करना और उसके एक एक फिंगर के ऊपर में ए ई आई ओ यू लिखना. ठीक है, और उसके बाद मामा आपको ये लिख के देंगी. मामा विल राइट ऑल दीज वर्ड्स फॉर यू, बट यू हैव टू राइट फिल इन द ब्लैंक्स ए और एन व्हाट विल कम बिफोर इट. ओके, सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सेंड यू एज होमवर्क. नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू, यू नो वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट. हु वांट्स टू डू द एक्सपेरिमेंट, शो मी अ थम्स अप. कम ऑन, थम्स अप दिखाओ. उसको हटा दो, उसको हटाओ. आप लोग जब स्कूल में आते थे, ओके, ऑल ऑफ माय चिल्ड्रन वांट टू सी द एक्सपेरिमेंट. आप लोग जब स्कूल में आते थे, यस, आप लोग जब स्कूल में आते थे तो आपको याद है स्कूल में वी हैड अ स्लाइड. यू रिमेम्बर, वी हैव अ स्लाइड इन द स्कूल. यस, आप ऐसे स्लाइड करते थे, है ना. यू यूज्ड टू स्लाइड लाइक दिस. एंड यू नो व्हाट इज दिस एक्शन, दिस इज रोलिंग. रोलिंग यानी लोट पोट होना. कभी कभी आप लोग बेड पे रोल करते हो ना. यू रोल ऑन द बेड. यू नो व्हाट, आप लोग ने फाइव लिटिल मंकीज का तो राइम सुना होगा, बट देयर आर थ्री लिटिल मंकीज आल्सो. एंड वो लोग क्या करते पता है, दे रोल ऑन द बेड. ओके, देयर वर टू थ्री मंकीज ऑन द बेड एंड लिटिल वन सेड roll over, roll over, and they all rolled over, and one fell off the two legs in the bed. Monkeys in the bed, and little one said, roll over, roll over. Come on, all of you, show me the action of roll over. And they all rolled over, and one fell off. There was one left in the bed. There was one monkey in the bed, and little one said, roll over, roll over. Aur roll karte karte kya ho gaya? Two monkeys bed se niche gir gaye. So, we are going to do an experiment today, which is on the ramp. Theek hai, main ek ramp banane wali hu, aur us ramp pe आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्ट्स क्या कर रहे हैं, वेदर दे आर रोलिंग. अगर रोल करेंगे तो आपको मुझे ये एक्शन दिखाना होगा. कम ऑन ऑल ऑफ यू, शो मी द एक्शन ऑफ रोलिंग. दिस इज द एक्शन ऑफ रोलिंग. ओके, रोलिंग. एंड इफ दे आर गोइंग टू स्लाइड, अगर स्लाइड करेंगे, जैसे आप लोग स्लाइड करते हो, तो आपको क्या एक्शन दिखाना है मुझे, स्लाइड. ओके, आप अगर सोचोगे कि वो ऑब्जेक्ट रोल करेगा, देन शो मी दिस एक्शन. एंड इफ यू थिंक द ऑब्जेक्ट विल स्लाइड, देन शो मी दिस एक्शन. ठीक है, आई हैव गॉट अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर इन माय बास्केट. लेट अस सेट अप द रैंप फर्स्ट. ओके, आई एम गोइंग टू सेट अप द रैंप, जस्ट अ मिनट. ओके, सी हियर इज माय रैंप. देखो ये रहा मेरा रैंप. क्या आप देख पा रहे हो सब कोई? आर यू ऑल बीइंग एबल टू सी द रैंप? यस, इट इज जस्ट लाइक अ स्लाइडिंग थिंग. ठीक है, यहां से ऊपर में रखूंगी, अगर वो चीज ऐसे स्लाइड होगा तो यू विल हैव टू शो मी दिस एक्शन. एंड इफ इट रोल्स, यू विल हैव टू शो मी दिस एक्शन. रोल यानी देखो, If I'm putting a marble, you have to be very careful. Marble तुरंत से roll हो जाएगा. जो चीज roll होगी वो फटाफट से roll हो जाएगी. देखो, when I'm putting the marble over here, और उसको मैं छोड़ दूंगी ना, तो क्या होगा पता है? तुरंत roll हो गया. Did you see the marble? Yes, it rolled. Okay, now let's see the next object I have is, the next object I have is an engine. And a bogie. Okay, I'm putting the engine and the bogie over here. And let's see what happened.
What happened? Because the wheels rolled. Yes, the wheels rolled. फटाफट से roll हुआ. Now let's check the next object. What will happen to this? See, I have a block over here. I have a rectangular block over here. If I put it over here, what happened? Whether it rolled or it slid? Yes, it slid. Yes, वो तो slide कर गया. Now the next object I have is a शार्पनर. गेस करके बताओ क्या होगा. शार्पनर रोल होगा कि स्लाइड होगा. जल्दी से बताओ. आई वॉन्ट टू सी ऑल योर गेसेस. ऑल ऑफ यू गेसिंग. कम ऑन. आई वॉन्ट टू सी ऑल ऑफ यू गेसिंग. क्या होगा. रोल होगा कि स्लाइड होगा. इट विल स्लाइड. जस्ट शो मी द एक्शन. यस ओके. लेट्स चेक आउट इफ इट स्लाइड. ये तो स्लाइड हो गया. स्लाइड. Yes. Now the next object I have is a skateboard, a small teeny weeny skateboard. ठीक है. अगर मैं skateboard यहाँ पे रखूंगी तो क्या होगा सोचो. What will happen to the wheels of the skateboard? It will. Yes, the wheels will roll. Now the next object I have. The next object I have is a Rubik's cube, a square object. Okay, if I put the Rubik's cube over here, first guess all of you, what will happen? Whether it will roll or slide? Tell me. Show me with your actions. Yes, Anvi, Ishani, Suhalia, ye sab soch rahe ki ye slide hoga. Even Vivan is thinking that it will slide. What about the rest of you all? हफीज, सुफियान, काश्वी, खुशी, ननकानी, क्या सोचती हो ये क्या होगा. रोल होगा कि स्लाइड होगा. शो मी विथ योर एक्शन. कम ऑन. स्लाइड. ओके ओके. स्लाइड. ओके. कम ऑन. लेट्स चेक आउट. ये तो स्लाइड हो गया. ये नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट आई हैव इज अ सेलो टेप. ओके. Let me put the sellotape over here and let's see what happens. Roll. आप लोग अब guess कर पा रहे हो. I think you have got the idea that if the object has a surface, if the object has a curved surface and you put it like this, then it rolls. But if the object has a flat surface, then it slides. So let us check with the shapes now. Let us check with the shapes. I have a. देखो ना यहाँ. Let's see what happens to the square foam blocks. It slides. Right? It slides. Now let's check out with the triangular foam block. Triangular. होगा triangular foam block का क्या होगा? सोच के बताओ मुझे. अगर ये शेप ट्राइंगल है, whether it will roll or slide? Slide. Good job. You have all have got the concept well. It will slide. Now I have a circular foam block. मेरे पास एक circular foam block है. Now it is going to roll. Now there is one thing I have. See, I have a pencil. ठीक है. अगर मैं उसको ऐसे रखती हूँ. Important, important. Look at this. If I put the pencil like this, then it is going to roll. But if the pencil ko aise rakhi, to dekhiye kya ho raha hai. When I'm putting the pencil like this, slide. Ye to slide ho raha hai. Ye to roll nahi ho raha. Aisa kyun hua? Why did this happen? Aise roll ho raha hai aur aise slide ho raha hai. Because pencil ka yahan pe there is a circular. There is a curved surface, है ना. पेंसिल ऐसे curved surface है, लेकिन ऐसे क्या है, ये flat है. इसीलिए flat surface हमेशा slide करेगा और curved surface हमेशा roll करेगा. Now, have you ever thought,
Have you ever given it a thought that why are the cars having wheels which are circle in shape? क्या आपने कभी सोचा कि कार की व्हील सर्कल शेप की क्यों है? अगर रेक्टेंगल शेप की व्हील्स होती तो क्या होता? क्या होता? सोचो. Think of it. What would happen if the wheels were in the shape of a rectangle? रोल करना. क्या कार आगे मूव करती? नहीं, because curved surfaces are easy to roll. देखो ऐसा अगर व्हील होता ना तो ऐसे फिर धक्का मारो, फिर ऐसे, फिर धक्का मारो, फिर ऐसे. और अगर ट्रायंगुलर होता तो क्या होता? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो ट्रायंगल और सर्कल व्हील्स नहीं होते हैं. व्हील्स हमेशा ट्रायंगल और रेक्टेंगल व्हील्स नहीं होते. व्हील्स हमेशा सर्कल शेप के होते हैं बिकॉज इट नीड्स अ कर्व्ड सरफेस टू मूव फ्रीली. यस यस. इसीलिए आप देखो, आई हैव अ टॉय ऑल्सो ओवर हियर. ओके, आई हैव अ टॉय ओवर हियर. कैन यू सी देयर इज अ टॉय एंड व्हाट इज इट डूइंग? द पानी से कर्व सरफेस, इट इज स्लाइडिंग. यस, इट इज स्लाइडिंग. बिकॉज इट हैज अ कर्व सरफेस बिलो इट. कभी भी कुछ कर्व सरफेस का होगा तो वो क्या होगा? व्हेनेवर देयर इज अ कर्व सरफेस इट विल मूव इजीली. कार की व्हील्स हमेशा सर्कल शेप की होती हैं. व्हाट डिड वी लर्न? व्हाई आर द व्हील्स ऑफ द कार इन द शेप ऑफ अ सर्कल? कार यू सी, एनी व्हीकल यू सी, द व्हील्स आर इन द शेप ऑफ अ सर्कल बिकॉज सर्कल मूव इजीली. बहुत आसानी से ऐसे ऐसे गोल गोल घूम के आगे मूव करता है, रोल करता है. यस यस. कम ऑन, लेट्स एंड द क्लास विथ व्हील्स ऑन द बस. कम ऑन, द व्हील्स ऑन द बस गो अराउंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड. The bus goes round and round all through the town. And you know, right? Wheels hamesha. Yes. और हम लोग ने क्या सीखा आज? Wheels हमेशा round circle shape की होती है, है ना? Because it can roll easily, right? It can roll easily. इसीलिए wheels of the bus go round and round. Now let's continue. Yes, Sufyan. चलो आगे करो. The wife around the wipers कैसे होते हैं? Wipers are flat. That is the reason why they